हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे द सर्पेंट, जो कि सीरीज रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे। हालांकि ये आपको बीबीसी पर भी देखने को मिल जाती है, लेकिन फायदा ये है नेटफ्लिक्स पर देखने का कि ये आपको हिंदी में देखने को मिलती है। टोटल 8 एपिसोड है, जिसके हर एक एपिसोड 56 मिनट से लेकर 58 मिनट के बीच में। ये शो की कहानी बेस्ड है रियल लाइफ इवेंट्स पे, जो कि चार्ल्स शोभराज ने किया था। अब जिनको चार्ल्स शोभराज के बारे में नहीं पता है, तो वाई उनको ये शो एटलीस्ट देखना चाहिए, बट इस वीडियो के बाद देखना, क्योंकि पूरी रात जाग के मैंने इस पर्टिकुलर शो को देखा। तो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करो यार। खैर, चार्ल्स शोभराज को द बिकनी किलर, द स्प्लिटिंग किलर, द सर्पेंट भी कहा जाता था। खैर, शो की कहानी शुरू होती है वैसे तो 1997 से, जहां पर चार्ल्स कुछ अमेरिकन क्रूज को इंटरव्यू देते हुए हमें नजर आते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि 1975 में, जहां पर चार्ल्स अपनी गर्लफ्रेंड मौली के साथ और अजय के साथ उनके घर में रहते थे। और बेसिकली चार्ल्स उन वेस्टर्न टूरिस्ट को अपना टारगेट बनाता था, जो हिप्पी ट्रायल्स में ट्रैवल करते थे। तो ऐसे लोगों को चार्ल्स टारगेट बनाता था, फिर उसके बाद उनके साथ क्या कुछ करता था वो यहाँ पर मैं रिवील नहीं करूँगा, उसके लिए तो आपको ये शो देखनी पड़ेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक डच कपल मिसिंग हो जाता है, और इस मिसिंग में एक डिप्लोमेट हरमन निपिनबर्ग इन्वेस्टिगेट करने लगता है कि भाई आखिर उन कपल्स के साथ ऐसा क्या हुआ था। फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे चार्ल्स के बारे में पूरी दुनिया को पता चलता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। खैर, अगर शो में कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया, चाहे वो चार्ल्स शोभराज हो, चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड मोनिक हो, चाहे वो उसके साथ काम करने वाला अजय हो, डोमिनिक हो, हरमन निपिनबर्ग हो, यानी कि हर एक कैरेक्टर को इस शो में इतनी अच्छी तरह से लिखा है। और बेसिकली डोमिनिक हो या मोनिक हो या अजय हो, हर किसी का अपना एक एपिसोड है जहाँ पर उन कैरेक्टर को आप लोग इजीली समझ पाते हो। और अगर चार्ल्स शोभराज की बात करेंगे, उसकी भी पास्ट लाइफ, यानी कि ये सारे क्राइम्स करने से पहले वो किस तरह का बंदा था, उसने किससे शादी किया था, कैसे इनकी एक बेटी थी, और फिर वो क्यों क्राइम करना शुरू किया, यानी कि वो बेसिकली सारी चीज़ों पर यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च कर बताया, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और ये शो कंटिन्यूस सीधा नहीं चलता है, यानी कि 2 महीना आगे, 3 महीना पीछे, 1 साल आगे, 7 साल पीछे, 7 साल आगे। तो इसमें क्या होता है, ऑडियंस कंफ्यूज होती है, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग वे में और इतने इजी वे में ये सारी चीज़ों को बताया कि मतलब आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन नहीं आने चाहिए। अगर आपके माइंड में फिर भी कंफ्यूजन आती है, तो फिर आप लोगों को शोज नहीं देखना चाहिए। सीरियसली, शो की सिनेमेटोग्राफी की बात करूँगा तो कुछ पुरानी फुटेजेस भी देखने को मिलती है, लेकिन जो मैक्सिमम जो नई फुटेजेस है और जिस तरह से उनको शूट किया है, वो यार एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था। और आई वॉजन एक्सपेक्टिंग कि यार मुझे सिनेमेटोग्राफी इतनी गजब की शो में देखने को मिलेगी। और कॉस्ट्यूम्स बहुत ही शानदार, यानी कि 70s में जिस तरीके से लोग पहनते थे कपड़े, बिल्कुल वही कॉस्ट्यूम्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। और कई बार भी बनावट भी नहीं लगते, मतलब एकदम रियल लगता है कि हाँ हम उस दौर को देख रहे स्क्रीन पर, जो कि अगेन तारीफ के काबिल है। शो का BGM बहुत अच्छा है, स्पेशली उस वक्त जो रॉक म्यूज़िक चलता था या वो जिस तरह का म्यूज़िक चलता था ना, वो आप लोग यहाँ पर फील करते हैं और एक अलग थ्रिल होता है। और स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड से लेके 5th एपिसोड तक शो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना ज़्यादा थ्रिलिंग है कि मतलब एक सेकेंड के लिए भी आपकी नज़र नहीं हटती है। लेकिन उसके बाद के जो 3 एपिसोड है, वो मुझे ज़्यादातर कह सकते हो कि एक तरह का डॉक्यूमेंट्री लगा, जो मुझे थोड़ा सा बोर कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं इस शो को कंटिन्यू देख रहा था, क्योंकि वाकई में चार्ल्स शोभराज की जो लाइफ है, जिस तरह से उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया, यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो जो चीज़ें उसने किया है 70s और 2003 के बीच में, उन सारी चीज़ों को देखकर भाई कहना पड़ेगा कि यार अलग तरह का बंदा था भाई, एकदम अलग तरह का था। और उसके साथ जो भी लोग थे, वो खुश थे या उसके साथ रहकर फंस चुके थे, ये तो वही लोग बेटर जानते हैं। के शो में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो आई थिंक ताहन रहीम उनका नाम है, जिसने यहाँ पर चार्ल्स शोभराज का रोल प्ले किया, भाई इतना गजब का परफॉर्मेंस किया उस बंदे ने, जो उसका चलने का स्टाइल, जो उसके बोलने का स्टाइल और जिस तरीके से वो फेशियल एक्सप्रेशन थे, और गजब यार। बस उस बंदे ने, बोलते ना, उस किलर को या उस चार्ल्स शोभराज को फिर से ज़िंदा कर दिया लोगों के सामने, इतना गजब का परफॉर्मेंस किया। उसके अलावा जितने भी एक्टर्स थे, सब लोग ने अपने स्टेज रोल को बहुत ही रियलिस्टिक वे में निभाया, बहुत ही अच्छा लगता है यार। मतलब परफॉर्मेंस वाइज कुछ भी खामियां नहीं लगी। हाँ, अगर एडिटिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से लास्ट के जो 3 एपिसोड्स है, उसको बहुत ही मतलब अजीब तरीके से उसने एडिट किया है,
वो थोड़ा कभी भी हड़बड़ी लग रही है, कभी कभी मतलब कुछ और फीलिंग हो रही, तो एडिटिंग वाइज थोड़ा सा ये बेटर हो सकता था। डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी रिसर्च करके इस शो को बनाया गया, तो यार जो राइटर है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ज़बरदस्त शो है, जो मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हमें दिखाता है, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता है जो हमको आज तक पता नहीं थी चार्ल्स शोभराज के बारे में। पेरेंटल गाइडेंस के लिए तो इतना ही बोलूँगा कि ये शो में कुछ एडल्ट सीन है, मतलब कुछ मात्र कुछ एडल्ट सीन है, जो कि घर वाले तो नहीं देख सकते डेफिनेटली, तो आप लोगों के घर में अगर एडल्ट है तो आप लोग देख सकते हो। मैं इसको रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10। इट्स अ वॉचेबल शो, इट्स एन एंटरटेनिंग शो, यू विल लव इट, यू विल एंजॉय इट। और ये पूरा शो कंप्लीट हो चुका है, इसका सीजन 2 नहीं आएगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।